बने तो बिल्कुल गजब गंडारो, तुम्हें डराने लगो कि हमें छोड़ के चली आई। कहने लगी कि बहन तुमने गजब कर दिया, हम लोग कहां कहां भटक के तुम्हें ढूंढ रही, और अगर तुम ना मिलती तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ते हैं। बताओ तुम हमारा साथ छोड़ करके चली आई। और तब तक नजर पड़ी रानी के ऊपर बाबा जी, तो देखा कि रानी का सारा श्रृंगार बिगड़ा हुआ है, चूनर फटी हुई है और रानी की धौकनी चल रही है, लंबी लंबी सांसें। एकदम से कहने लगी, अरे बहन तेरा ये सिंगार कैसे बिगड़ गया, ये तेरी चुनरिया कैसे फट गई और ये तेरी लंबी लंबी सांसें क्यों चल रही हैं? रानी ने अपने बात छुपा करके भाव बदल करके कहने लगी, बहन जब तुम्हारा साथ छूट गया तो जाई पेड़ पे बंदर आ तू, जहां हम खड़ी है तो बहन जब हम आई इधर तो क्या बोली, बहाना कर दिया। रानी बोली तुम निकल गई और बंदर ने हमें पछाड़ दिया। बंदर जाई पेड़ पे थे हमारे ऊपर ही कूद पर ने सब चुनरिया फाट डारी, हमारे श्रृंगार बिगाड़ डारो, बहाना कर दिया रानी ने। चलो बहन तो हम डराए गए, तभी तो ये धोखनी चल रही हमारी। एकदम से कहने लगी, चलो बहन घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, रानी को साथ में लेकर के आई, रथ में सवार हुई और सवार होकर के महल में रानी आई।